हाय फ्रेंड्स, एक और फ्रिज वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, मेरे पास बहुत कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि ई श्रम कार्ड मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह नॉलेज पर वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको ishram.gov.in लिख के सिंपली सर्च कर लेना है। ठीक है, तो मेरा सजेशन कर रहा है, मैं आपको इसी के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, आपको सिंपली वही लिख के सर्च कर लेना है, फिर आपके सामने अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाना है। देखिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रजिस्टर ऑन ईश्रम, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर अगला इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे लिंक मोबाइल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको फटाफट ये भी डाल के दिखा देता हूँ। कैप्चा वप्चा आपको भर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। उसके बाद आपको सेंड OTP के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, फिर आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड करेगा। ठीक है, तो आपको OTP भी फिल कर लेना है। देखिए, मैंने फिल कर लेना है, फिर से आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, क्लिक करने के बाद फिर अगला इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछेगा। ठीक है, तो आपको आधार नंबर भी डाल लेना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल के दिखा देता हूँ, जो भी है। ओके, आप भी अपना आधार नंबर डाल देंगे, मैं फटाफट डाल देता हूँ। देखिए, डालने के बाद आप कैप्चा वप्चा जो भी है सेम टू सेम आपको फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको राइट साइड में दिख रहा होगा OTP का ऑप्शन। ठीक है, आपको यही ऑप्शन चूज़ कर लेना है, क्योंकि आप खुद से रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा एक ऑप्शन टिक का निशान। ठीक है, आई एग्री, आपको इसी के ऊपर टिक लगाना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP और सेंड करेगा। ठीक है, तो वो OTP फिल करके आप पहुंच जाएंगे, मतलब आधार कार्ड के साथ जो भी आपका डिटेल होगा वो ऑटोमेटिकली मैच कर लेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बता रहा है दिस आधार इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन ईश्रम पोर्टल, मतलब इस आधार नंबर से पहले से ही ईश्रम कार्ड बना हुआ है। मैं एक भाई का आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे का प्रोसेस नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, आप इसी तरह से करेंगे तो आपका ईश्रम कार्ड बन जाएगा, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको इस पर और वीडियो डिटेल में चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूँगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दूसरे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल सके।